नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास लगी है आपकी कंप्यूटर की क्लास है, और कंप्यूटर की क्लास में हम धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं मेमोरी, मेमोरी में हमने रैम पढ़ लिया है, रोम पढ़ लिया, यानी प्राइमरी मेमोरी हमारी ख़त्म हो चुकी है और हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ चल रहे थे, जिसमें हमें पढ़ना है क्या, तो हम पढ़ रहे थे आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हमने पढ़ा सीडी, सीडी क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं, सीडी कितने प्रकार की होती है, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज डीवीडी भी कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे बीआरडी। नाम नया है, सुना होगा आपने, ठीक है। आपकी जो क्लास है वो है कंप्यूटर की, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, आपकी जो क्लास लगी है वो कंप्यूटर की है। कंप्यूटर में जो नया टॉपिक है उसका नाम है बीआरडी, ठीक है। अब नाम आता है बीआरडी का पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि बीआरडी का पूरा नाम क्या होता है, ये क्या चीज़ है। तो इसे कहते हैं ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ये आपके जो डीवीडी है ना, डीवीडी का लेटेस्ट वर्जन है, यानी जैसे सीडी को किसने बीट किया, डीवीडी ने, है ना। सीडी से ऊपर निकला आपका डीवीडी, अब डीवीडी से भी ऊपर हाई डेफिनेशन में जो काम कर रहा है, जो हाई डेफिनेशन के सीडियाँ आ रही हैं वो है आपका बीआरडी। क्या होता है इसके अंदर क्वालिटी, तो इसमें जो होता है हाई डेफिनेशन की मूवी देखने के लिए, चीज़ों को, डाटा को आपको स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ किया जाता है। ये आपका हाई डेफिनेशन यानी 1080 पिक्सल पर चलने वाला होता है। ये मतलब ऐसा होता है, हाई डेफिनेशन का मतलब ये है कि ऐसा लगेगा कि आप देख नहीं रहे हो, बिल्कुल रियलिटी में हो रहा है, उसे देख कर कोई ये नहीं कह सकता कि हम पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। ऐसा होता है कि बिल्कुल हाई डेफिनेशन में होता है, ऐसा लगा कि बिल्कुल हम रियल में वहीं पे हैं, बिल्कुल सचमुच की इमेजिंग होती है उसमें, ठीक है। तो इसमें आप क्या सुनना चाहते, देखो इसमें जो है ना आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है, आपकी HD मूवी आ गई, जिसमें क्या होती है, जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल क्लियरिटी आती है। ये आपका 1080 मेगा पिक्सल पर चलता है, 1000 मेगा पिक्सल पर आप अपने मोबाइल पे फोटो लेके देखना, ठीक है, या फिर वीडियो बना के देखना, आपको क्लियरिटी अलग ही समझ में आएगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्वालिटी है, तो इसके अंदर क्वालिटी की बात की जाए तो ये ब्लू रे डिस्क जो होता है हाई वीडियो और अधिक डेटा को डिजाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो रेजुलेशन है वो 1080 मेगा पिक्सल पर चलता है, ठीक है। और इसके अंदर क्वालिटी की बात की जाए तो मूवी जो होती है बहुत ही स्मूथ, अच्छी हाई डेफिनेशन पर चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है HD क्वालिटी की मूवी होती है, HD क्वालिटी के गेम स्टोर किए जाते हैं। ये भी आपका ना, सॉरी जस्ट वन मिनट, ये भी आपका देखने में एक CD की तरह होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो बिल्कुल CD की तरह होता है, ठीक है। और ये जो CD होता है ना आपका किस कलर में होगा, तो ये आपके जैसे आपने CD देखा होगा तो चमकीली कलर की होती है और फ्लेक्सिबल होती है ना, जिसे आप लचीली कह सकते हो, मतलब घुमाने पर टूट भी सकती है, तो ये बिल्कुल वैसी ही होती है। लेकिन ये जो CD होती है ना, ये ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और इसके अगर आप एक साइड लिखोगे, एक साइड मात्र एक साइड डेटा को स्टोर करने के लिए 25 GB यानी 25 GB लेता है ये, ठीक है। वन साइड बीआरडी में डेटा नोट करने के लिए 25 GB, और आपकी CD क्या होती थी, MB में आती थी, है ना, CD आपकी MB में आती थी। आपका जो क्या कहते हैं DVD है वो 1-2 GB लेता है, राइट। हम पिक्चर मूवी वगैरह हम DVD पहले लेके आते थे, खरीदते थे, हम DVD वाली CD लेके आते थे, तो हम देखते थे उसमें 2-3 पिक्चर या फिर कई घंटों की वीडियो हम उसमें डाल सकते थे, जिसमें आपका 4-5 GB तक या अधिक से अधिक 8 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5-6 GB तक डेटा उसमें स्टोर हो सकता है, किसमें, DVD में।
लेकिन ये जो BRD होता है इसने आपके DVD को भी बीट कर दिया। यानी कहने का मतलब है पूरे पूरे 25 GB लेता है केवल एक साइड डेटा स्टोर करने के लिए। अगर मान लो दोनों साइड करना हुआ तो, और दोनों साइड करोगे ठीक है, दोनों साइड ठीक है, अगर दोनों साइड करोगे तो 50 GB लेगा, 50 GB डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा ठीक है। इसमें क्योंकि इसकी क्वालिटी जो होती है ना स्मूथ होती है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखाई देती है, दूर दूर की चीज़ें भी दिखाई देगी तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे रियल में चल रहा है ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है ब्लू लेजर, ये जो होता है ना ब्लू कलर के कलर का CD होता है, और इसे रीड करने के लिए ठीक है, इसे रीड करने के लिए 3D आती है ठीक है, ब्लू लेजर का कलर होता है और वायलेट कलर का होता है। वायलेट समझते हो, ब्लू कलर नहीं कह सकते हैं, वायलेट कहते हैं, वायलेट यानी बैगनी ठीक है, वायलेट कलर में ये होता है। तो एवरीवन हम बात कर रहे थे जो हमारी CD होती है ठीक है, बात की जाए CD, तो CD को पढ़ने के लिए रेड लेजर का यूज किया जाता है ठीक है। इसमें इसमें जो होता है BRD में, इसमें इसका यूज नहीं होगा, यानी रेड लेजर का यूज नहीं किया जा सकता है ठीक है। CD का अलग होता है और BRD आपका अलग होगा, क्योंकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ठीक है, क्योंकि आपके BRD की स्टोरेज क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर है, इसकी क्या होती है, क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ठीक है। इसमें ब्लू रे डिस्क में रेड लेजर यानी CD का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। रेड लेजर का मतलब होता है CD, और CD का यूज यहाँ बिल्कुल नहीं किया जाता है। यहाँ ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल होगा, वे ड्राइव रेड वाले को नहीं चलाएगी, याद रखना ठीक है। ब्लू रे डिस्क अलग होता है, रेड लेजर वाली CD DVD यहाँ पर नहीं यूज किया जा सकता है इसको पढ़ने के लिए ठीक है। आपका जो रेड लेजर होता है, ये रेड लेजर किसको पढ़ेगी, क्योंकि लेजर के द्वारा ही CD पढ़ा जाता है, जो CD पढ़ी जाती है वो लेजर के द्वारा ही पढ़ी जाती है। तो रेड लेजर का पढ़ने का काम होता है CD का और DVD का, ये दोनों का काम होता है रेड लेजर का। लेकिन ब्लू रेड डिस्क में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें रेड लेजर का यूज नहीं किया जाता है ठीक है। ब्लू रेड डिस्क के लिए अलग से ही डिस्क आती है, उस पर ही ये CD चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप CD, अगर आप DVD में चाहें तो आपको पता भी होगा, आप जानते भी होगी, आप चाहे तो DVD में, ये अगर आपका DVD है ठीक है, तो इसमें CD और DVD दोनों का कैसेट आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आपकी BRD की बात की जाए तो BRD में केवल BRD वाली CD ही चलेगी, इसमें आपका जो CD DVD का कैसेट इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका रे जो होता है ना वायलेट कलर का होता है, वायलेट मतलब बैगनी कलर का होता है, और इसका जो डिस्क होता है ये भी बिल्कुल हटके होता है ठीक है, तो वो इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। क्लियर है, तो ये है आपका BRD मतलब होता है हाई डेफिनेशन ठीक है, हाई डेफिनेशन वाली DVD जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथी कलर आती है, इसीलिए 25 GB का ही CD आता है ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है मार्केट में, ये BRD वाले जो CD होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमें क्या मिलते हैं, महंगे मिलते हैं ठीक है। वन साइड डेटा लेने के लिए कितना लेता है ये, 25 GB ठीक है। वन साइड अगर आप डेटा स्टोर करोगे ना तो कितना लेगा, 25 GB ठीक है। अगर आप डबल करोगे, डबल साइड डेटा अगर स्टोर करोगे तो आपका 50 GB, याद रखना ठीक है। मैं साफ साफ लिखवा भी दे रही था, इतना समझ लो BRD होता क्या है, तो हाई डेफिनेशन के लिए। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं इसी में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा C Cloud Storage ठीक है, आपने नाम सुना होगा, अक्सर बच्चों को मन में आते हैं C Cloud C Cloud Storage क्या होता है,
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सी क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। तो मैं बता दूँ, इंटरनेट पर अपनी जानकारी साझा करना यानी संग्रहित करना यानी स्टोर करना। जो इस समय हम यूज़ कर रहे हैं क्या, यूट्यूब, हम लोग यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। यूट्यूब पे अगर हम अपना खुद का बनाया हुआ डेटा अपलोड करते हैं तो उसी को कहते हैं सी क्लाउड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हम अपना डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, गूगल पे ही करते हैं या जीमेल पे? मान लो हमने कोई रिज्यूम बनाया, कोई अच्छी चीज़ बनाई है, अच्छा सा टॉपिक बनाया है, अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, और हमारे कंप्यूटर पे रहेगा तो हमें डर रहेगा कहीं ये डिलीट ना हो जाए या कोई इसे डिलीट ना मार दे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अगर हमें ऐसा लगता है तो हम क्या करते हैं, तो हम सोचते हैं उसे नेट पे डाल दें, है ना, नेट पे डाल दें ताकि हमारा नेट पे पड़ा रहे, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो उस नेट पर से हम उसे उठा लेंगे। ऐसा होता है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे उठाते हो और जीमेल पे डाल देते हो, या फिर आप गूगल क्रोम पे डाल देते हो, आपका गूगल पोर्टल करके है उस पे डाल देते हो, आप यूट्यूब पे डाल देते हो, है ना। तो इन सभी चीज़ों पे आप अपना अपने डेटा को उठाकर उस पर स्टोर कर देते हो और वहाँ पे क्या हो जाता है, डेटा आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वहाँ पे इंटरनेट चल रहा है तो आप अपने आईडी खोल के आप उस डेटा को ले सकते हो। तो वो होता है सी क्लाउड स्टोरेज, यानी वहाँ पे इंटरनेट पे डेटा को सेव करना, इंटरनेट पे अपने डेटा को डालना, यही कहलाता है आपका सी क्लाउड स्टोरेज। क्लियर है? आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज आपका ऑप्टिकल डिस्क नाम का चैप्टर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं तो क्लियर हो गया है। सीडी को ही ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। सीडी भी कई तरीके की आती है, एक सीडी होती है, एक डीवीडी होती है और एक बीआरडी होती है। ठीक है, सीडी को बीट किया बीआरडी ने, और बीआरडी को इस समय जो बीट कर रहा है वो आपका है, सॉरी, डीवीडी को जो बीट कर रहा है वो आपका है बीआरडी। ठीक है, यानी इस समय जो सबसे अधिक लेटेस्ट में आपकी सीडी चल रही है उसका नाम है बीआरडी, हाई डेफिनेशन वाले क्या डिस्क। ठीक है, क्लाउड का मतलब आप समझ में गए हो। ठीक है, स्टोर डेटा ऑन द इंटरनेट। ठीक है, डेटा को इंटरनेट पे क्या करना, स्टोर करना, क्या कहलाता है, सी क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। क्योंकि नाम वही होता है पर जगह की जगह इसे चेंज कर दिया जाता है, नए नए नाम से बच्चे डर जाते हैं ये क्या है, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो यही सब चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क किसे कहते हैं, क्या होता है फ्लॉपी डिस्क, क्या होता है हार्ड डिस्क, और क्या होता है एसएसडी। ठीक है, आपके तीन आ गए हैं इस समय, सबसे लेटेस्ट में एसएसडी चल रहा है। ठीक है, यानी सॉलिड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा पहले डिस्क में कई सारे डिस्क आए थे, पर ये भी डिस्क डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सीडी की तरह नहीं होता, ये डिस्क की तरह होता है, तो इसी के बारे में कल बात करेंगे। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस में और भी हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव हो गया, आपका पेन कार्ड वगैरह हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। तो ये आपका चैप्टर रह गया है बाकी, जिसे मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।